आत्महत्या से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इस संबंध में दोपहर 1:30 बजे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करूंगा। विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के सभी मामलों की जांच की जाए, ऐसी अपील उप मुख्यमंत्री से भी करूंगा, ऐसा रामदास अठावले द्वारा कहा गया है। ये पूरा मामला ऐसा है कि दर्शन सोलंकी बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। इस संबंध में पुलिस से दलित छात्र ने की आत्महत्या के संबंध में भी जानकारी ली गई। इसके साथ ही हमारी मुलाकात आईआईटी मुंबई के डायरेक्टर सुभाषीष चौधरी से हुई। दर्शन सोलंकी बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के मुताबिक उसके लिए परीक्षा का एक पेपर कठिन था और इस वजह से वो थोड़ा टेंशन में भी थे। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने पिता से बात की थी, उसने यह सब अपने पिता को बताया था। यह आत्महत्या जातिगत भेदभाव के कारण हुई, इस संबंध में भी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि दर्शन सोलंकी ये स्टूडेंट हमारा शेड्यूल कास्ट का था, अहमदाबाद का रहने वाला था, गुजरात का, और 3-3.5 महीना पहले ही उन्होंने एडमिशन ले लिया था। पहली सेमेस्टर जो हुई थी उसमें 2-3 सब्जेक्ट में वो तो मतलब उनको वॉलीबॉल हुआ था, लेकिन एक सब्जेक्ट में कुछ उनको तो तकलीफ थी और उसमें कुछ उनको अच्छी मार्क्स नहीं मिली थी। बाकी हमने जो चौधरी जी है, चौधरी जी से भी हमने बात की है, जो यहाँ के डायरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर यहाँ के सीनियर जो सूर्यवंशी है, उनसे भी हमने बात की है और इस प्रकरण के संबंध में पूरी जांच होनी चाहिए। और इसके पहले भी 2014 में अम्बोरे नाम के दलित समाज के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। अभी 6 महीना पहले भी यहाँ कोई दूसरे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। अभी जानकारी मिली है कि चेन्नई में भी मतलब 2 स्टूडेंट ने ऐसी आत्महत्या की है आईआईटी में, और आईआईटी के इंस्टीट्यूट यहाँ 12,500 स्टूडेंट रहते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, और इसी तरह का होना अच्छी बात नहीं है। ये स्टूडेंट की क्या तकलीफ थी, यहाँ एसी सेल भी है, उसमें स्टूडेंट भी है, प्रोफेसर भी है, और स्टूडेंट की क्या तकलीफ है इसकी जानकारी मतलब प्रशासन ने यहाँ के लेने की आवश्यकता है। इसी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो इसकी जिम्मेदारी, इसके संबंध में इंक्वायरी या इसके संबंध में पूरी जांच जो है जांच होनी चाहिए। और अभी मैं 1:30 बजे हमारे डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, इनको मैं मिलने वाला हूँ और उनके पास मेरी हमारी मांग है कि एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करके इसकी जांच होनी चाहिए, दोबारा इसी तरह के इंसिडेंट ना होना चाहिए। और हमने पुलिस ऑफिसर से बात की है कि उनके माता पिताजी से आपने क्या स्टेटमेंट ले लिया है क्या, उन्होंने बोला कि भाई वो बॉडी लेकर गए हैं और वो अभी आने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने इंक्वायरी में बताया कि उन्होंने पिताजी को 1/2 घंटा पहले कुछ फ़ोन पर बात हुई थी और पिताजी को उन्होंने बोला था कि मुझे एक सब्जेक्ट थोड़ा सा ठीक नहीं गया है, तो उन्होंने बोला था चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्यों आत्महत्या की इसकी जांच होनी चाहिए, इसका कारण मतलब समझ में आना चाहिए और स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। और ये घटना बहुत बड़ी दर्दनाक है, बहुत बड़ी दुख भरी है और इस परिवार को जो कोई आर्थिक जो मदद है आईआईटी के तरफ से भी मिलनी चाहिए। गुजरात के सीएम से भी मैं बात करूँगा और यहाँ के डिप्टी सीएम और सीएम से भी बात करूँगा और इस स्टूडेंट के फैमिली को कोई आर्थिक मदद भी कुछ मिल सकती है क्या, उसके बारे में भी जरूर हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, क्या संबंधामध्ये मी विचार लिहिला आहे त्याची चौकशी होणं आवश्यक आहे, म्हणजे जातीवादातून त्याला काही त्रास होता का याची चौकशी होणं आवश्यक आहे। त्याचं आत्महत्येचं काहीतरी कारण असल्याशिवाय आत्महत्या करणार नाही आहे, त्यामुळं त्याची कारणं शोधण्यासाठी एक्सपर्ट ऑफिसरच्या माध्यमातून त्याची चौकशी व्हावी अशी आपली इच्छा आहे। त्याचबरोबर या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने काही आर्थिक मदत देण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे। त्याचबरोबर गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलू, ते कुटुंब गुजरात असल्यामुळं अहमदाबाद असल्यामुळं गुजरात गव्हर्नमेंटकडूनही त्या कुटुंबाला काही मदत मिळवण्याचा नक्की आपला प्रयत्न राहणार आहे आणि या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे। पुन्हा अशा पद्धतीची आत्महत्या होता का कामा नये आणि इथल्या डायरेक्टरांनी इथल्या प्रशासनाने सगळ्या विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि विशेष लक्ष शेड्यूल कास्टच्या शेड्यूल ट्राईबच्या विद्यार्थ्यांकडे देणं अत्यंत आवश्यक आहे। मात्र आता मी 1:30 वाजताच माझी अपॉइंटमेंट आहे, मी उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे आणि हा विषय त्यांच्या कानावर घालणार आहे। स्पेशल अधिकाऱ्याच्या मार्फत चौकशी व्हावी, आर्थिक मदत कुटुंबाला मिळावी आणि या प्रकरणामध्ये पूर्ण चौकशी करून याला जे दोषी असतील
त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी आपली मागणी आहे। मैं यह भी मांग करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार इस छात्र के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे। 2014 में ऐसे ही एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली थी, इसके बाद अब ये सुसाइड का मामला सामने आया, इसलिए ऐसे मामले से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।